नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। वेल, घर में नॉमिनेशन टास्क चल रहा है और उस टास्क के दौरान जो विवियन है वो डाकिया बने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विवियन ने करणवीर के उस नॉमिनेशन को कैसे कैंसिल कर दिया जिसमें उन्होंने एलिस का नाम लिया और एलिस को टारगेट किया। चलिए बताएंगे आपको। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। विवियन डिसेना बने हैं घर में डाकिया और नॉमिनेशन से पहले का माहौल हम सब ने देखा था कि कैसे घर वाले सब एक दूसरे से मीठा बोलने की कोशिश कर रहे थे और इस चीज को एक्सपोज किया था रजत दलाल ने, जो न्यू कंटेस्टेंट आई है कशिश कपूर के सामने, और कहा था कि नॉमिनेशन से पहले सब प्यार से बोल रहे हैं लेकिन नॉमिनेशन के बाद रिश्ते बदल जाएंगे और जज्बात भी बदल जाएंगे। अब ऐसे में डाकिया बने विवियन के पास पावर भी है और घर वालों को एक दूसरे को टेलीफोन कर नॉमिनेट भी करना है। तो शिल्पा ने श्रुतिका का नाम लिया और साथ ही साथ कशिश ने भी लिया कि ये मेरे लिए आगे परेशानी खड़ी कर सकती है। श्रुतिका ने शिल्पा और कशिश दोनों को टारगेट किया और कहा कि हमेशा ताने मारती हैं शिल्पा जी, और कशिश की बात रही तो कशिश ने खुद कहा है कि आगे जाकर परेशानी हो सकती है, इसलिए अभी परेशानी क्रिएट कर देती हूँ। इसके बाद आते हैं करणवीर। करणवीर ने नाम लिया एलिस का, ये कहते हुए कि उन्होंने विमेन कार्ड खेलने की कोशिश की थी उस टास्क में, तो उस चिट्ठी को फाड़ दिया, उस नाम को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया विवियन ने, और कहा कि ये जो नॉमिनेशन है ये रिजेक्ट किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि विवियन ने साफ तौर पर एलिस को बचा लिया और करणवीर के उस नॉमिनेशन को फाड़ कर फेंक दिया जिसमें उन्होंने एलिस का नाम लिया था और कहा था कि ये जो है विमेन कार्ड खेल रही है। तो अपने ग्रुप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं विवियन डी सेना। क्या करणवीर करेंगे इसका विरोध? आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताइएगा।